हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए के आर्ट एंड मस्ती की पाठशाला। आई एम अनीता और हमारे हर वीडियो को आप लोग अपना इतना प्यार दे रहे हैं, इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स और वो देने तो अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच दिल से मेरे और मानसी की तरफ से। इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा, हमारे हेयर ऑयल, हमारे हेयर पैक, जो भी प्रॉब्लम थी, डैंड्रफ, सारे वीडियोस को बहुत प्यार मिला और उम्मीद करते हैं इसी तरह आप अपना प्यार देते रहेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम अनीता है। ए के आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है एंड इंस्टा पे भी है। और लेकिन हमने अपने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है ए के आर्ट एंड मस्ती की पाठशाला, जिसमें हम लोग आप जो के बारे में बताएंगे। आर्ट तो चलेगा ही, वो तो हमारी ए के आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस ही है, लेकिन जब हम यूट्यूब पे आते हैं तो आपके हेयर प्रॉब्लम्स, फेस की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा कि अगर हमें घर में ही कोई अच्छा सा, कई बार होता ना कि हमारी स्किन बहुत खिंची खिंची सी हमें महसूस होती है, ये वो, ये क्रीम वो क्रीम, अगर हमारे घर की चीज़ों से हम बनाएं तो एक इतना अच्छा सा टोनर जैसी चीज़ बन जाएगी, इतनी ठंडक देगी, आप उसे यूज़ कीजिए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी भी तरह की आपकी स्किन है, आपको अगर एक्ने की प्रॉब्लम है, आपको पिंपल की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल स्किन है, जैसी भी स्किन है, सबको ये सूट करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम सारी चीज़ें बहुत 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 अच्छी यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, हमारे काम अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ प्लीज़ डू शेयर एंड कमेंट्स एंड लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि हम जब भी आएँ तो आपको हमारी जो भी नई वीडियो है वो मिल जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं जो ले रही हूँ, सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, मैंने लिया है एक नींबू। तो इस नींबू का मैं रस निकालूंगी अभी आपके सामने थोड़ी सी देर में। लेकिन मैं आज क्या करने वाली हूँ, हम लोग क्या करते हैं हमेशा, अगर जो मैं बना रही हूँ, मैं आज थोड़ा दूसरे तरीके से बना रही हूँ। अगर आपको इन चीज़ों को, जो जो मैं आज आपके सामने अभी बॉटल के अंदर डालने वाली हूँ, आप चाहो तो इन सबको ग्राइंड कर सकते हो। ग्राइंड करके उसको अच्छे से छलनी से छान लेना, फिर उसको आप किसी भी अच्छी स्प्रे बॉटल में डाल सकते हो और फिर उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमेशा उसे फ्रिज में रखना। ओके, जैसे ये मेरी है स्प्रे बॉटल है, जब आपका तैयार हो जाएगा आप इसके अंदर उसको ग्राइंड करके छान के वो जो लिक्विड तैयार होगा उसको आप अंदर रख सकते हो, उसको आप कभी भी यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आज थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। ये है मेरा आंवला, फ्रेश आंवला है, मैं इसके छोटे छोटे से पीस कर रही हूँ। अगर 1% आपको आंवला ना मिले, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, अगर आपके पास आंवला नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ नहीं बना सकते, आप आंवले को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई चीज़, आप लोग उन्हीं चीज़ों में अटक के रह जाते हैं, कितने चम्मच आंवला का रस, कितने चम्मच नींबू का रस। अगर नींबू का रस थोड़ा ज़्यादा होगा तो भी नुकसान नहीं करेगा, मैंने बार बार कहा है। जो मैं हेयर पैक या हेयर ऑयल बनाती हूँ वो मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर आप मेरा ये हेयर ऑयल भी देखोगे, इसके अंदर 85 तरह की चीज़ें मिली हुई हैं। वो मैं तब बना के भेजती हूँ, जैसे अगर किसी का भी आया कि मेरे को ये हेयर प्रॉब्लम है, ग्रे हेयर है, डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, बहुत सारी अलग प्रॉब्लम है, इसी तरह पैक के लिए भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें पहले मैं उनसे पर्सनली पूछती हूँ कि आपको किसी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई चीज़ आपको नुकसान तो नहीं करती है, उसके अकॉर्डिंग हम सामान तैयार करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बता दूँ, आपने यूज़ किया, आपको खुद नहीं पता हो कि वो चीज़ आपको एलर्जी कर जाएगी, तो फ़ायदा नहीं। तो यहाँ हम जितनी भी चीज़ों की बातें करेंगे तो वो है जो आपने यूज़ भी किया तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने लिया फ्रेश आंवला, आप आराम से 2 आंवले ले सकते हो, क्योंकि इसमें कोई नुकसान की चीज़ नहीं, बहुत अच्छा है आपके स्किन के लिए। जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने होता है, जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, आप प्लीज़ अगर पी सकते हो तो आंवला, आंवले के अंदर मैं कभी बनाना भी बता दूंगी, इसके अंदर थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा काला नमक डालो, ज़्यादा है तो ज़रा सा नींबू डाल सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको ग्राइंड करो, उसका जूस बना के पियो, आपका हेयर फॉल, आपके एक्ने, आपकी स्किन इतनी प्यारी हो जाएगी, हेयर फॉल भी रुक जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। हम तकरीबन, आप देखोगे कि जितनी चीज़ें हम लगाने के लिए बोलते हैं उतनी चीज़ें आप अगर खाते भी हो, जैसे आंवला हो गया, अगर नीम है अगर आप खा सकते हो, एलोवेरा है अगर आप खा सकते हो, ये सारी चीज़ें लगाने के साथ खाने में भी बहुत हेल्दी हैं, अगर आप खा सकते हो तो ज़रूर लिया करो। ओके, चलिए, तो मैंने लिया आंवला, आंवले के बाद मैं ले रही हूँ नींबू का रस। मैंने सिर्फ आधा नींबू का रस लिया है,
बहुत सारी चीजें मत बना के रखा करिए। ऐसा नहीं है कि आपने 8-10 बॉटल बना लिया और वो फिर रखा हुआ है उसको यूज करना है, क्यों? सब कुछ फ्रेश बनाएंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा बनाओ। ठीक, तो मैंने ये लिया है, इसी में मैं जो हमारा नींबू का रस निकालने वाला होता है इसी के अंदर हम, मैंने ये संतरे का लिया है क्योंकि आजकल अब फ्रेश संतरा आ रहा है, मैंने उसका रस लिया है। जैसे नींबू का निकालते हैं ऐसे ही निकाल लीजिए, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने कहा, मैं आज इस तरह से कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहोगे तो आप ग्राइंड कर सकते हो, उसके बाद उसको छान सकते हो। ये इतनी हेल्दी स्किन के लिए होगी, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप इसको स्प्रे बॉटल में डालना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं डालना चाहते हो इसके आइस क्यूब जमा लो, लेकिन आइस क्यूब के लिए तो वाकई आंवला आपको ऐसे नहीं लेना, फिर आपको जूस ही बनाना पड़ेगा, छानना पड़ेगा। आइस क्यूब जमाइए क्योंकि आपके अभी जितने भी एक्ने वगैरह ना उसमें ये बहुत सूदिंग रहता है, तो उसको आपने बस छोटी सी आइस क्यूब होगी उसको अच्छे से फेस के ऊपर करो, सूख जाएगा अपने आप पानी है, और बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा। फिर ये है कुकुम्बर, कुकुम्बर को छील के और उसको आप कद्दूकस कर लीजिए, ठीक है, या आप अगर ग्राइंड करने वाले तो छोटे पीस कर लीजिएगा। उसके बाद उसको किसी भी अच्छे सॉफ्ट कपड़े में या तो छानिए या छलनी में, इस तरह से एक फ्रेश जूस निकल आएगा। ठीक है, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए, तो मैंने निकाल के रखा है। इसके बाद एलोवेरा, एलोवेरा को कैसे छीलना है कैसे निकालना है वो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बनाया है। अगर आपके पास फ्रेश, ये मेरा वाला तो फ्रेश है, ये देखिए एकदम फ्रेश एलोवेरा है, तो मैंने ये लिया है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप जेल का ट्यूब ले सकते हैं, मैं वो यूज़ नहीं करती, ये मैंने घर में ही लगाया। मैंने कई बार आपको अपने हर वीडियो में बताया एलोवेरा जेल हर चीज़ का इलाज है, आपका बालों का प्रॉब्लम है, आपका स्किन का प्रॉब्लम है, ये देखो ये खुद ही अपना इतना प्यारा सा जेल छोड़ देता है और ये खुद ही मेल्ट होता जाता है, और अगर आप ग्राइंड कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मैंने 2 चम्मच भर के एलोवेरा जेल लिया। तो ये था मेरा ये सारा का सारा सामान। इसके बाद मैं लूँगी जिस जार में मैं बनाने वाली हूँ, इसके अंदर मैं ये सारा सामान डाल दूँगी। इसके साथ मेरे हैं थोड़े से तुलसी के पत्ते, ठीक, और ये है मेरे नीम के पत्ते, फ्रेश नीम है, ये भी थोड़ी सी डाल दो ज़्यादा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं ये जो मैंने सारा निकाला है, आप चाहो तो ग्राइंड करके करना, फिर आंवले के अंदर जो गुठली होती है उसको ज़रूर याद से निकाल देना, नहीं तो वो फिर आपकी मिक्सी भी खराब कर देगी। ओके, इसको अब आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर सारी 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 बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसको आप जब भी चाहो कॉटन के साथ ऐसे ही भीगा हुआ अपने फ्रिज में रखिए, जब भी आपको चाहिए थोड़ा सा शेक कीजिए और उसको कॉटन के साथ पूरे फेस पे लगा लीजिए। अगर आपने इसको पीसना है तो पीस के छान के किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए और उसके बाद स्प्रे करके सीधा अपने फेस पे डालिए, कोई पोछने की ज़रूरत नहीं है। आधा घंटा एक घंटा आप अपने घर का काम कर रहे हो या रात को सोते हुए लगा रहे हो, सुबह आप नॉर्मल पानी के साथ वॉश करो। उसके साथ ये हमारा एक काम और करेगा, जिसको बहुत ऑयली स्किन है, ये मैंने आपको बताया था मुल्तानी मिट्टी इजीली आपको मिल जाएगी। आज मैं थोड़ा सा बस इसके अंदर किया है क्योंकि वो मैंने अचानक सोचा तो अभी मेल्ट नहीं हुई थी। मुल्तानी मिट्टी का आपको पाउडर भी मिल जाएगा, शायद अमेजोन वगैरह पे ढूंढ लेना तो भी मिल जाएगा, शायद खादी का भी आता है, नहीं तो मैं जो लेती हूँ मैं रॉक फॉर्म में लेती हूँ। मुल्तानी मिट्टी आपने ली, आपने सादे पानी के अंदर उसको घोल के रख देना है, ठीक। जब आपने उसको सादे पानी में घोला तो वो ऐसे बहुत ही लिक्विड फॉर्म बन जाता है, एकदम स्मूथ हो जाता है। आप अगर चाहो एक चीज़ और, अगर आप चाहो तो जो ये आपका है, अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी कंपनी का रोज़ वाटर है तो आप वो ले लो, अगर आपके पास नहीं, मेरे पास इस टाइम ये डाबर का है गुलाबरी तो मैं ले रही हूँ, आपको जो सूट करता है वो ज़रूर ले लेना। मैं भूल गई थी इसमें अभी ऐड करना, इसमें डालना था तो याद आया, ये रहा थोड़ा सा 2 से 4 चम्मच, बहुत प्यारी खुशबू आ जाती है। वैसे तो इसमें जो लेमन ऑरेंज सारे हैं तैयार किया है, इसमें सारी अच्छी चीज़ें, रोज़ वाटर क्या, एलोवेरा क्या, नीम, तुलसी,
आंवला, सारी अच्छी चीजें है ना। तो जब हम, मैं कहती हूँ कि आप खाली रोज वाटर की जगह उन चीजों से इसको मिला लो तो सारी कुछ आ गया, क्योंकि एलोवेरा जेल भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुल्तानी मिट्टी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि बहुत ड्राइनेस हो जाती है। तो जिनकी नॉर्मल स्किन है उसके लिए तो ये है ही बिल्कुल ठीक, हमने सब कुछ तो इसमें डाल दिया। लेकिन अगर किसी की बहुत ज्यादा अगर ड्राई स्किन है तो आपको क्या करना है, जब आप इसको करें तो एलोवेरा जेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिक्स कर लो, वो तो जेल भी ले सकते हो या फ्रेश है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो भी नहीं है, घर में कच्चा दूध जो आता है उसको थोड़ा सा डाल लीजिए, उससे चिकनाई आ जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो आप दो बूंद कोई भी ऑयल जो आपकी स्किन को सूट करता है, चाहे वो कोकोनट ऑयल भी हो, दो बूंद आप वो डाल दीजिए, बिल्कुल ड्राइनेस नहीं होगी। तो अगर आपको बस यूज करने के, जो मुल्तानी मिट्टी वही रहेगी जो चीज आपके फेस को सूट करती है। जैसी आपकी स्किन है, ऑयली है तो मैंने बताया आपको कि ये वाटर आपके लिए बिल्कुल ही रामबाण है, बिल्कुल कुछ और नहीं करना। अगर बहुत ड्राई है तो आप दूध है, हनी है, जो भी इस तरह की चीजें हैं जो आपकी स्किन को अच्छा चिकनाई दे सकती हैं, दो बूंद तेल है या कुछ भी, आप उसके साथ मिक्स कीजिए और इसको बना के एक बार में 4 से 5 दिन का आप आराम से फ्रिज में रख सकते हो, बिल्कुल खराब नहीं होगा। सिर्फ उंगली से लीजिए, पूरे फेस पे लगाइए। जब आपको लगेगा थोड़ी देर में खिंचाव आ रहा है, ये ड्राई हो रहा है, पूरी तरह ड्राई मत होने देना, क्योंकि फिर लगा के हम जोर से हंसते हैं बोलते हैं तो और रिंकल आने के थोड़ा वो हो जाते हैं चांसेस। तो जब आपका सेमी ड्राई है तभी अपने हाथ को पानी से गीला कीजिए, अच्छे से थपथपाइए तो वो फिर से थोड़ा गीला हो जाएगा। तब प्यार से उपटन की तरह इसको ऐसे हल्के हाथ से हटाएंगे, हट जाएगा। साफ पानी से फेस को धो लीजिए, बहुत प्यारी स्किन हो जाएगी। तो अगर आपकी ये सारी प्रॉब्लम है तो इससे दूर हो जाएंगी 101%। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, जैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, इसी तरह अपनी प्रॉब्लम्स वही कमेंट्स में डाला कीजिए ताकि हम उनको दूर करने की पूरी कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच अपना प्यार और अपना टाइम हमें देने के लिए। बाय बाय।